अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार से चपली कबाब की, जिसको हम पिशावरी कबाब भी कहते हैं, इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसके लिए मुझे चाहिए, मैंने ये आधा किलो 500 ग्राम जो है वो कीमा लिया है। ये आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। मैं बीफ का बना रही हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर छन्नी में डाल के इसका पूरा पानी निकाल दिया है। इसमें अब ज़रा सा भी पानी नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये एक अंडा लिया है, उसको मैंने कच्चा पक्का सा ऑमलेट की तरह बना के उसके टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं उस तरह से रखा है। आधा कप बेसन लिया है जो कि भुना हुआ है। 2 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है। 1 टीस्पून मैंने जो है वो लाल मिर्च कुटी हुई ली हुई है, पिसी भी नहीं है, कुटी हुई है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने जीरा लिया है, उसे मैंने पहले भुना और फिर मैंने इसे मोटा मोटा धरधरा सा कूट लिया। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जैसा लगता है ज़्यादा या कम, आप उस तरह से नमक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, उसे भी मैंने पहले भुना और मोटा मोटा कूट लिया। उसके साथ मैंने लिया 1/4 टीस्पून अजवाइन, और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ये मैंने मक्खन के छोटे छोटे से 4 क्यूब लिए, यानी ये 2 टेबल स्पून के बराबर हैं, क्योंकि आपको कीमे के अंदर चर्बी चाहिए। अगर आपके कीमे में चर्बी कम होगी तो आप ये मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो लेमन का जूस लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 अंडा लिया है बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा हमने ये सारे जो हैं हरा मसाला और प्याज और टमाटर लिया है, जिसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जब हम ऑमलेट बनाते हैं उस तरह काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैंने काट लिया है। 1 मैंने मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया है, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और मैंने इसको बिल्कुल स्क्वायर्स के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी मैंने बहुत बारीक काटा है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज ली, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर कटी हुई। 10-12 मैंने जो है वो पुदीने के पत्ते लिए हैं, उन्हें भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। और मैंने जो धनिया है वो मैंने पूरी 1 गड्डी लिया है, उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चलिए आए अब शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास जो कीमा है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैंने इसका पूरा पानी निकाल लिया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक एक करके हम सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने ये जीरा और अनारदाना, नमक और लाल मिर्च का कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। इसके बाद जो हमने ये अंडा ऑमलेट की तरह बनाया हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ऑमलेट तो नहीं है, ये कच्चा पक्का सा है। इसके बाद जो है ये मैंने भुना हुआ बेसन लिया था, वो भी डाल दिया इसमें मैंने। गरम मसाला, चाट मसाला, सूखा धनिया और अजवाइन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और ये मक्खन। अब 1 अंडा भी इसमें तोड़ के डाल दूंगी। अब ये सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कीमे में। ये बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं वो मिक्सिंग की हैं, कि जितना अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे उतने लजीज आपके कबाब बनेंगे। पहले मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी, उसके बाद मैं ये जो हरा धनिया और पुदीना और ये सब हैं, ये सब चीज़ें इसमें डालूंगी। पहले मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। मैंने ये सारे ड्राई मसालों को मिक्स कर दिया है। अब मैं ये धनिया पुदीना वगैरह डालूंगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने फौरन बनाना है 1-2 घंटों के अंदर, तो आप ये चीज़ें मिक्स कीजिएगा, वरना फिर आप इसको जिस वक्त बना रहे हो उसी वक्त मिक्स करिएगा, वरना ये सब चीज़ें पानी छोड़ देंगी। तो मैं तो इसको अभी बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। सारे मसालों के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के इसके कबाब बनाऊंगी। चले फिर मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो गया और अब मैं इसको निकाल के इसके कबाब बनाना शुरू करूंगी। हल्का सा तेल अपने हाथों पे लगा लें या फिर पानी भी लगा सकते हैं,
और फिर आप देखें, आप ये साइज जो है ये आप पर पूरा मुनहसिर है कि आप लोग ये कितना बड़ा बनाते हैं और कितना छोटा बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो है इसको आप ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे। ये वैसे बड़े बड़े लंबे लंबे से होते हैं और हम थोड़े से बड़े ही बनाएंगे क्योंकि ये तलते हुए फिर ये श्रिंक भी हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम जो है ये टमाटर का पीस लगाएंगे। टमाटर का पीस लगाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए इसको लगा रही हूँ। और आप लोग चाहें तो ना लगाएं क्योंकि इसके अंदर भी टमाटर जा चुके हैं और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी मत रखिएगा क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं। तो बस इसको ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। अब मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने रख दिया है। अब देखें ये हमारे टेम्परेचर पर आ गया है जितना हमें चाहिए था। तो अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। तेल एकदम से बहुत गर्म में मत डालिएगा वरना ये ऊपर ऊपर से पक जाएगा और फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैंने ये एक ये पलट दिया है। अब मैं ये एक एक करके सारे पलट रही हूँ। आपको देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका और कितने ज़बरदस्त बने हैं। आपको ना ज़्यादा पतले बनाने हैं और ना बहुत मोटे बनाने हैं। इसके ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये ना नरम होते हैं। देखिए कितने आराम से पलट दिया गया ये और बहुत ही खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए ये हमारे मज़ेदार चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं और बस अभी मैं इसको खाके बताती हूँ कि ये कैसे हैं। एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि आपका जो कीमा है वो चर्बी वाला होना चाहिए और अगर उसमें चर्बी नहीं है तो आप उसमें मक्खन ज़रूर डालिएगा। तो मैं अभी आपको खाके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब ये अपने घर में बनाया तो ये कैसे बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को। और मुझे कमेंट देना ना भूलें क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक बात मैं आप लोगों को और कह दूँ कि आप लोग जब इसका मसाला फ्रिज से निकालें और आप इसमें एक छोटा सा पहले फ्राई करके देख लें, अगर आप लोगों को कुछ कम लगता है कि कुछ मिर्चें कम हैं या नमक कम है तो आप एक फ्राई करने के बाद आप चेक कर लें, उसके बाद आप इसमें और मसाला ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने जो अभी आपको बताया ये पूरा मेरे हिसाब से बिल्कुल बैलेंस है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।